नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डूंगरपुर से खबर, जहां पर पुनाली गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बैंक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों को जनधन, सुकन्या, लोनिग, एफडीआई सहित कई अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की बदहाली को लेकर नगर परिषद के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध दर्ज करवाया। बीकानेर के जैतपुर में राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत सात रायसिंह नगर विकास अधिकारी ने दोनों के खिलाफ धारा 420 के तहत फर्जीवाड़े में गबन करने का मामला दर्ज किया है। सांगोद में कोटा ग्रामीण एसपी राजीव पचार ने सीएलडी सदस्यों की बैठक ली और क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर सदस्यों के साथ चर्चा की। हनुमानगढ़ में संगरिया के भकतपुरा गांव में रोटरी क्लब द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्वेटर बांटे गए। सवाईमाधोपुर की बोली थाना पुलिस ने देर रात अवैध रूप से बच्ची का परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया है। आरोपी ट्रक चालक मौका पाकर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली की पनियाला ग्राम पंचायत में गौरव पथ निर्माण के रास्ते में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया गया। बांसवाड़ा के बरोड़ा गांव में माही विभाग की नहर टूट गई है, जिस वजह से विभाग ने नहर का पानी बंद कर काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नहर को सही करने के लिए शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चौमू में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। भिलवाड़ा के शाहपुरा में मालीखेड़ा के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर में 3 एमडी गांव में सरकारी स्कूल में ग्रामीणों और समाज सेवकों ने जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटे। धौलपुर में एबीवीपी द्वारा राजकीय पीजी कॉलेज में परिषद की पोस्टर का विमोचन किया गया। डॉक्टर विजय सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विधायक भागीरथ चौधरी ने अराई में किसान सेवा केंद्र और सीसी सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। लाडू में महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर के नई रेवाली गांव में विद्युत कर्मचारियों ने बिना डिमांड राशि भरे ही अपने चहेतों के घर बिजली के पोल लगा दिए। मामला उजागर होने के बाद भी विद्युत विभाग दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सागवाड़ा विधायक अनिता कटारा ने डेचा, गामड़ा और विराट गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक अनिता कटारा ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। हिंडौली में तालाब गांव के लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुक्तिधाम की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। लूणकरणसर में डॉक्टरों का विरोध, मरीजों पर भारी पड़ रहा है। डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर खुले बरामदे में मरीजों को देख रहे हैं। छलावार के उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जयपुर डिस्कॉम ने कार्रवाई कर विद्युत कनेक्शन काट दिया। डिस्कॉम ने अस्पताल प्रशासन को 2,26,000 रुपए की बकाया राशि को जमा कराने को लेकर पहले कई बार नोटिस भी दिए थे। रायसिंह नगर विधायक सोना देवी बाबरी ने एक साथ कई गांवों में गौरव पथ का शिलान्यास किया। रामगंज मंडी में इंटक मजदूर संघ के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान प्रधान राजेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के संगरिया में आवारा पशुओं के बढ़ रहे हमलों से परेशान होकर एसडीएम ने नगर पालिका प्रशासन को अहम निर्देश दिए। विधायक प्रिया कुमारी ने सवाईमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 12 में होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशी सीमा मीना के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कोटपुतली के केशवाना राजपूत गांव में रक्तदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेता मुकेश गोयल मौजूद रहे। बांसवाड़ा के सुंदरपुर गांव में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौमू के राजावास कस्बे में ग्राम पंचायत के नवीन भवन का शिलान्यास जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने किया। 37.5 लाख रुपए की लागत से यह भवन बनेगा। जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने नवीन भवन की 4 दीवारी का निर्माण और बोरिंग के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। शाहपुरा की सरदार नगर ग्राम पंचायत में ईदगाह के चबूतरा निर्माण में कोताही बरती जा रही। मामले में विकास अधिकारी पहले भी सरपंच को कई बार निर्देश दे चुके हैं। जैसर की अमृत बाल विद्यापीठ स्कूल में 12वीं कला वर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर यशिका शर्मा का स्कूटी योजना में चयन हुआ।
धौलपुर में प्रयत्न संस्था द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। धौलपुर में पहली बार किया जा रहा है ये बाल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छी पहल है। इस प्रशिक्षण से बाल अपराधों में कमी आएगी। टांटोटी में हजरत शेख कासिम बुगदादी के उर्स का आयोजन किया जा रहा है। दरगाह कमेटी ने उर्स के पूर्व चादर का जुलूस निकाला। नागौर के मकराना में एक विवाहिता ने 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर के राजकीय पीजी महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधपुर के गोपालगढ़ में व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजपूत समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर के मांडली गांव में 60 लाख की लागत से बनने वाले गौरव पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जलदाय मंत्री सुशील कटारा ने कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला प्रमुख माधव लाल मौजूद रहे। बूंदी के पीजी कॉलेज में सरगम सप्ताह के तहत मेहंदी और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भरतपुर की बामनवाड़ी ग्राम पंचायत में पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने से सड़कों पर पानी का भराव रहता है, जिससे राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा है। महाजन में घने कोहरे के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। वहीं कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिड़ावा में कृषि योजना के तहत 2 दिवसीय संस्थागत कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामराज मीणा ने किसानों को उन्नत कृषि के तरीके बताए। श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख प्रियंका श्योरान और सांसद निहाल चंद ने कुपली गांव में वॉटर वर्क्स और स्कूल भवन का शिलान्यास किया। रैणी कस्बे के बस स्टैंड पर लोगों ने कचरा डालने से भारी गंदगी जमा हो गई है। सूचना पर पहुंचे सरपंच ने नाले की सफाई करवाई। करौली के सपोटरा में स्टाम्प विक्रेता संघ के निर्देश पर रमेशन गर्ग की अध्यक्षता में स्टाम्प विक्रेता संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ स्टाम्प विक्रेताओं की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। कोटा के तोरण में ओडीएफ हुई ग्राम पंचायत में स्वच्छता के मानकों की जांच के लिए आए एनएलएम डॉक्टर रमेश बाबू ने अहम जानकारी दी। टिब्बी के मेहरवाला गांव में पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में चल रहे 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले गए। चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति में विवाद के चलते पंचायत कार्य ठप पड़े हुए हैं। ग्रामीण इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। कोटपुतली में पुलिया विस्तारीकरण की मांग को लेकर पुलिया विस्तार संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना 35वें दिन भी जारी रहा। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में देर रात भंगार के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। चौमू में गौर रक्षक दल और टोल प्लाजा के संयुक्त तत्वावधान में हाईवे पर घूमती गायों को रेडियम बेल्ट बांधे गए। कोटड़ी के घेवरिया गांव में कीचड़ परेशानी का सबब बनी है। पंचायत की अनदेखी के चलते ग्रामीणों में गुस्सा है। डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने बस स्टैंड पर विश्राम स्थल और सुविधा घर का उद्घाटन किया। खरसाना की 6B ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल न होने से ज्यादातर बच्चे अशिक्षित हैं। ग्रामीणों ने सरकार से स्कूल खोलने की मांग की। बसेड़ी में ई मित्र की परीक्षा सहित अन्य समस्याओं को लेकर ई मित्र संचालकों ने रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मसूदा में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा किए जाने पर ग्रामीणों ने विधायक सुशील कंवर पलाड़ा और भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा का भव्य स्वागत किया। परबतसर के नरमा गांव में चोर एक 25 केवी का ट्रांसफार्मर चुरा कर ले गए। कनिष्ठ अभियंता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। धोरीमन्ना एसबीआई बैंक में नोटबंदी के बाद आज तक प्रिंटर खराब होने से ग्राहकों को डायरी इंदाज नहीं की जा रही है, जिसके चलते ग्राहक परेशान हो रहे हैं। जोधपुर में फलौदी की PS6 नहर में गाय अचानक गिर गई, जिससे मौके पर मौजूद ट्रक चालकों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। भरतपुर की कामा और पहाड़ी तहसील में पुलिस की लापरवाही के चलते घंटों जाम लगा रहता है, जिससे आम लोग परेशान होते हैं। राजगढ़ में गोल सर्किल से गंगाबाग चौराहे तक बने गौरव पथ पर नालियों का निर्माण न होने से सड़क पर गंदगी इकट्ठा रहती है। सपोटरा की जीरोता ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर निर्वाचित वार्ड पंचों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुड्डी मीणा को सरपंच चुना गया। बूंदी में कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के जश्न के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के जामसर में बाबा
गंगाईनाथ धाम पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। झालावाड़ के बकानी में चिकित्सक अस्पताल के बाहर खुले में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। कोटा में रेजड़िया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप प्रधान मोतीलाल ही रहे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में राजकीय स्कूल के खेल मैदान के पास गंदे पानी की निकासी का नाला अवरुद्ध होने से गंदा पानी खेल मैदान में भर रहा है। रायगढ़ कुमारी ने सवाईमाधोपुर शहर के वार्ड नंबर 9 और 28 में हो रहे हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग कार्य का अवलोकन किया और कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। कोटपुतली में भाजपा नेता मुकेश गोयल की पहल पर जारी रक्तमणि कार्यक्रम में लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में संपर्क सड़कों का कलेक्टर भगवती प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया, जहां कमी पाई गई वहां पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित शराब से भरी हुई एक क्रेटा कार जब्त की है। कार में विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मांगरोप में प्रशासन की अनदेखी के चलते सड़कों पर जगह जगह कीचड़ फैली हुई है, जिसके चलते राहगीर परेशान है। साथवी शहर में नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के उपचुनावों के चलते कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सांसद दुष्यंत सिंह ने अकलेरा में नवनिर्मित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार के 4 साल पूरे होने पर धौलपुर में आयोजित समारोह का शुभारंभ किया गया। मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने विकास कार्यों को आमजन के सामने यहां रखा। अमेरिका के एक विशेष दल ने अराई स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का अवलोकन किया और स्कूली विद्यार्थियों से जानकारी हासिल की। लाडनू नगर पालिका में लंबे समय से ईओ का पद रिक्त पड़ा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। बाड़मेर में गुलाबड़ियों की ढाणी जाने वाली ग्रेवल सड़क कई जगहों से टूट चुकी है, जिससे वाहन चालक परेशान है। जोधपुर के बालेसर में एक रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर की भूटौली ग्राम पंचायत में सड़कों की खस्ता हाल है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में प्रधान शीला मीणा की अध्यक्षता में स्वच्छता सम्मान एवं स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। श्री महावीर जी कस्बे के नौरंगाबाद गांव में स्थित राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, जिस पर प्रधानाचार्य ने भामाशाहों का आभार जताया। डूंगरपुर जिले के धाम में बेड़ेश्वर भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष वेलजी पाटीदार ने 17 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने का आभार किया। बूंदी के बराड़ा क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के कोटखा आपदा में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बीकानेर के खोखराणा में विद्यार्थियों ने रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में दीनदयाल उपाध्याय विशेष योगजन शिविर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया, यहां लोगों को कैंप की जानकारी ही नहीं थी। जयपुर के कोटखाबदा में तहसीलदार कार्तिक मीणा ने सालों पुराने अतिक्रमण को हटाकर रास्ता सुचारू करवाया। कोटा के आवा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर व्यास ने आरएमआरएस की बैठक ली और अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ग्रामीणों से चर्चा की। महावीर जी और अकबरपुर में लाखों की लागत से लगे आरओ प्लांट 8 महीने से बंद पड़े हैं, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव में माही नहर से रिसाव हो रहा है और इसके कारण गांव में पानी भर गया है। चलिए खबरों का सिलसिला जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर चौमू से, जहां पर विधायक आवास पर नगर और देहात मंडल के अध्यक्ष की बैठक का आयोजन हुआ।
विधायक रातला शर्मा ने हर बूथ पर 21 सदस्यों की कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। सादर शहर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कुछ घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान चल गए। मामले में विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वसेड़ी में राजकीय स्कूल में भामाशाहों की ओर से घोषणा के अनुरूप प्याव निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मकराना में लोरोली गांव में आवारा सांड की चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। जयपुर के चाकसू कस्बे में चोर दुग्ध उत्पादक केंद्र से दिन दहाड़े थैले में रखे 1 लाख से ज्यादा रुपए लेकर पार हो गए। डेयरी सचिव कैलाश चंद ने जयपुर सेंट्रल बैंक शाखा से 1,39,000 रुपए निकलवाए थे और फिलहाल आपको बता दें पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर की शेरगढ़ कस्बे की गांधी चौक से दर्जियों के वास की तरफ जाने वाली केवल सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। यूनिवर्सिटी के नोरंगाबाद गांव में राजकीय स्कूल के आम रास्ते पर अतिक्रमण होने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। चिकरखंडेला इलाके में रामपुरा गांव में विद्युत उपभोक्ताओं को विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को आखिरी जमा तारीख निकलने के बाद झाड़ियों में बिल पड़े मिले। चूरू में राजास गांव में राजकीय स्कूल के एक साथ 6 शिक्षकों का तबादला होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने एसडीएम के सामने विरोध प्रदर्शन कर स्कूल में शिक्षकों को लगाने की मांग की है। 2 शिक्षक लगाने की बात पर ग्रामीण राजी हुए। भरतपुर की पहाड़ी तहसील में पेयजल पाइपलाइन के लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। श्रीगंगानगर में दिनदहाड़े बदमाशों का कहर दिखा। बदमाशों ने कपड़े के शोरूम में तोड़फोड़ और मारपीट की। इस हमले में दुकान मालिक सहित कई लोग जख्मी हुए। कहा जा रहा है कि 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर में समदड़ी के पास देवलयाली सिलूर वाली में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के हमले में 2 किसान जख्मी हुए हैं। जालौर एसीबी की टीम ने अन्नाराज सिंह के नेतृत्व में मेल नर्स हरदीराम चौधरी को 1,500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी ने राष्ट्रीय योजना के तहत रिश्वत की राशि मांगी थी। पाली के जैतारण में पुलिस की मौत के मामले में एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने गीली लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया और चालान काटकर डिटेन किया ट्रक को। सब्जी मंडी बाईपास रोड पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जालौर के सांचौर उपखंड अधिकारी मुरारीलाल शर्मा को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रजेश पवार ने नोटिस देकर 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। एसडीएम ने 1.5 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की थी लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। डूंगरपुर में 2 अलग अलग जगहों पर 2 शव बरामद किए गए। शिशोर गांव में एक युवक का शव मिला। वहीं पीठ कस्बे में भी एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। नागौर के पर्वतसर में एटीएम मशीन तोड़ते हुए 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामला बिदियाद के यूको बैंक के एटीएम का है। बूंदी के दलेलपुरा गांव में सड़क किनारे मिली नवजात का शव मिला सड़क किनारे। नवजात ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर के कावा में 32,000 की लूट कर भाग रहे 3 अंतर्राज्यीय बदमाशों की बाइक टैंकर से टकरा गई जिससे 3 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से उन्हें रेफर किया गया भरतपुर। हिंडौन सिटी के बरगमा मोड़ के पास ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग ने पास में ही छप्परपोश मकान को अपनी आगोश में ले लिया। अलवर में हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसा औद्योगिक क्षेत्र चौपान की स्थित जय अंबे कास्टिंग कंपनी में हुआ। जोधपुर में भोपालगढ़ के पास हिंगोली ग्राम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को पीपीपी मोड पर देने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजय परिहार की अगुवाई में ग्रामीणों ने एसडीएम रामानंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के कंवरपुरा गांव में स्थित राजकीय स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल की सारी कक्षाएं महज 3 कमरों में संचालित हो रही हैं। कोटपुतली में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत 2 मोबाइल रसोई वैन शुरू की गई। श्रीगंगानगर के बल्लूराम गोदारा कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज में उमंग 2017 का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। जोधपुर बावड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र में विकलांग पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांगों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हाजी दाऊद का सादुलपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। टोंक में धार थाने के भरनी पुलिया के पास हादसा हुआ। मछलियों से भरा एक ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल हुए हैं। ट्रक का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। कोटपुतली में कोहरे की वजह से 3 ट्रक भिड़ गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पनियाला पुलिया के पास यह हादसा हुआ।
सांचे के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसे बाद में पुलिस ने पहुंचकर ठीक करवाया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के सोमेसर के पास स्विफ्ट कार पलटने से हादसा हो गया। कार के पलटने की वजह से 5 लोग घायल हुए। घायलों को पाली रेफर किया गया। ये कार आपको बता दें कि गुजरात के प्रतापनगर के रहने वालों की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।